अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। हेलो व्यूअर्स, आज हम रमज़ान के स्पेशल मसालों की तैयारी करेंगे, जिसमें है तली हुई प्याज और कुछ चटपटे गरम मसाले और खोपरा, फली, तिल। ये सारे मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले न्यू स्टाइल में गरम मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है स्टार फूल, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्ची, दालचीनी का पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, काला फूल और शाजीरा। शाजीरा और काला फूल हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले हम ये मसालों को पहले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शाजीरा और काला फूल। दोनों ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये मसाले ठंडे होने तक हम बिरयानी की प्याज को फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम प्याज इसमें ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे। उसके बाद ही हमें प्याज ऐड करना है। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर लिया है। 2 किलो प्याज को हम बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम 4 हिस्सों में फ्राई करेंगे। अगर आपका पैन बड़ा है, कढ़ाई बड़ी है, तो आप इसे 3 हिस्सों में भी फ्राई कर सकते हैं। प्याज ऐड होने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। हाई कर इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को स्लो करना है। स्लो फ्लेम पर हमें इसे कंटिन्यू मिलाते रहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंटिन्यू मिलाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिरयानी की प्याज, इसमें कलर भी आ चुका है। अब हम ये प्याज को एक छन्नी में निकाल लेंगे। छन्नी में निकालने के बाद इसे हमें फैन के नीचे रखना है। अगर आप प्याज को इस तरह से फ्राई करेंगे तो आपकी प्याज क्रिस्पी और क्रंची बनेगी, जलेगी भी नहीं और नरम भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से रमज़ान की तैयारी आप पहले से ही करके रखेंगे तो आपके सालन और बिरयानी जरी देर में बन जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। जो मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे वो मसाले ठंडे हो चुके हैं। इसे हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे और पीस लेंगे। और बाकी की जो बची हुई प्याज है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर हमने कुछ मसाले रोस्ट करके रखे हैं, जिसमें है फली, खोपरा, तिल और खसखस। ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। उसके बाद ये मसालों को हम एक कंटेनर में ऐड कर लेंगे और इसे हम स्टोर कर इसी तरह से रख देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के चटपटे मसालेदार मसालों के साथ।